कई बार स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने घर की छत के ऊपर खड़े होके ये ऑब्जर्व किया होगा कि कहीं दूर अगर कोई फटाका फूटा तो उसका रोशनी आपके पास पहले पहुंच जाती है, मतलब आपको दिख पहले जाता है कि फटाका फूटा, लेकिन उसके कुछ देर के बाद आपको ये आवाज उसकी सुनाई देती है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली लर्न। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि व्हाई लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम साउंड की बात करते हैं कि साउंड क्या होता है और वो किस तरीके से प्रोपागेट करता है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको इस वीडियो में दिख रहा है कि घंटी जब स्कूल में बजती है तो वो किस तरीके से ये प्रोपागेट करती है किसी मीडियम में, तो यहाँ पे वो मीडियम में ट्रेवल होके और उसके बाद हमें वो उसकी आवाज सुनाई देती है। तो वही यहाँ पे है, साउंड प्रोपागेट थ्रू एयर और अदर मीडियम एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन विच द मैकेनिकल वाइब्रेशन कॉन्स्टिट्यूट द वेव अकर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव। मतलब कि जिस डायरेक्शन में यहाँ पे आपको, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि स्कूल की घंटी बजती है और यहाँ पे जब घंटी बजेगी तो घंटी की आवाज आपको मीडियम में जो पार्टिकल्स है वो वहां से उसको ट्रेवल करके और फिर वो आपके अपने ईयर तक आपको उस साउंड को लेके आएगी। तो इस तरीके से मीडियम में ये साउंड ट्रेवल करती है और ये साउंड इस तरीके से ट्रेवल करके ये हमारे कानों तक पहुंचता है। ये तो साउंड की बात समझ में आ गई और इससे ये समझ में आता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है। कि साउंड देखिए अलग अलग मीडियम में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं और गैसेज में पार्टिकल सबसे ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसी वजह से साउंड का अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड होता है। क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल सबसे पास होता है इसीलिए साउंड की सबसे ज्यादा स्पीड होगी, लिक्विड में थोड़े पार्टिकल दूर होते हैं इसीलिए थोड़ी कम होती है स्पीड, और गैस में सबसे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और पार्टिकल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं साउंड को ट्रेवल करने के लिए, इसी वजह से ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड इसकी वेरी करती है। तो वही यहाँ कह रहा है, साउंड प्रोपागेट्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अराउंड 330 मीटर पर सेकेंड। एयर में साउंड की करीब करीब स्पीड 330 मीटर प्रति सेकंड के करीब होती है। लाइट की बात करें, साउंड की बात तो समझ में आ गई, लाइट की बात करते हैं। लाइट प्रोपागेट्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि लाइट को प्रोपागेट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ये प्रोपागेट करती है, मतलब ट्रेवल करता है, और वो ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। वही बात यहां बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इसी वजह से ये सबसे बड़ा कारण है कि लाइट की जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से तेज होती है। तो वही बात यहाँ पे देखिए, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और वैक्यूम इज अराउंड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो साउंड की स्पीड जो है वो लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है, या फिर यूं कहूं कि लाइट की स्पीड आप देखिए कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा तेज होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने के वजह से इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है और ये बहुत आसानी से फ्रीली ये ट्रेवल कर पाता है। किस लिए? तो साउंड वेव्स नीड मीडियम पार्टिकल्स टू प्रोपागेट, बट लाइट वेव रिक्वायर्स नो मीडियम टू प्रोपागेट। इसी वजह से जो लाइट जो है वो साउंड से ज्यादा तेज ट्रेवल करता है, क्योंकि लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत आवश्यकता नहीं है, जबकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता है, इसीलिए साउंड की स्पीड लाइट की स्पीड से बहुत कम होती है और इसी वजह से लाइट हमारे आंखों तक पहले पहुंचता है और साउंड हमारे कानों तक लेट पहुंच पाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से तेज क्यों होती है, और इसका जो हमारा हमने दो दो सिनेरियो देखा कि हमने थंडर वाला और दूसरा क्रैकर वाला, ये दोनों बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी।
स्टूडेंट्स, अगर आपके पास भी ऐसे कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप डेफिनेटली मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उनके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना के आपके डाउट्स को डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद जय भारत, और सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।